मेरे YouTube चैनल डेली यात्रा व्लॉग के माध्यम से देखने वाले सभी दोस्तों को एक और नई ताज़ा वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज फिर साथियों, कल की तरह मैं आप लोगों के लिए छोटी मोटी जानकारियों के साथ मौसम से जुड़ी जानकारियां लेकर उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी छोटी मोटी जानकारियाँ पसंद भी आती होंगी। और लेकिन आज एक अनुरोध करना चाहूँगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से, हालाँकि कई बार मैंने आप लोगों को बोला भी है कि नंबर मैंने अपना मोबाइल इसलिए दिया है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी अगर जानकारी हो तो आप लोग ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, परंतु ऐसे अननेसेसरी किसी का समय बर्बाद करना तो मुझे नहीं लगता है कि, हालांकि मैं मौसम की वीडियो हर रोज़ डालता हूं, फिर भी लोग ना जाने पूछते हैं कि भैया मौसम कैसा है। अरे वीडियो में भी तो वही दिखाता हूँ, वही बोलता हूँ, वही आप लोगों को जानकारियाँ देता हूँ, फिर भी आप लोग अननेसेसरी बातें करते हैं। अननेसेसरी भाई मौसम कैसा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, कैसा है। तो भाई आप लोग थोड़ा सोचिए कि अगर एक एक इंसान भी 10-10 मिनट बात कर गया तो मेरा समय बहुत मतलब कि बर्बाद होता जाएगा। तो इसलिए मेरा टू द पॉइंट सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बहुत अगर ज़रूरी कोई जानकारी है जिसका कोई पता नहीं चल रहा तभी आप लोग कॉल कीजिए। बाकी मैंने डायरेक्टली आप लोगों से बोला कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, मेल कीजिए, बस तीन ही ज़रिए हैं जो कि मैं आप लोगों को डायरेक्टली 1-to-1 रिप्लाई दे सकता हूँ। बाकी इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर डायरेक्टली बात भी करनी है तो एटलीस्ट व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो कि मैं फ्री हूँ या नहीं, क्यों मुझे बहुत सारे यहाँ पे काम होते हैं जिसके चलते आप लोगों की कॉल्स आती है तो थोड़ा इरिटेट होता हूँ मैं। आप यकीन मानिए, आप मेरे सब चाहने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर दिन के 50-60 कॉल भी आते हैं तो सोचिए कितना मतलब मुश्किल होता होगा मेरे लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आप लोगों को नंबर दिया तो आप लोग धड़ाधड़ कॉल करते जाओ, तो इसलिए बेटर है कि बहुत ज़रूरी काम है तो आप लोग कीजिए कॉल, नहीं तो सारी जानकारियाँ आप टेक्स्ट में आप लिख कर मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिए या फिर मेरे मेल आईडी में। सबसे बेटर तरीका मेल आईडी, ठीक है, वहाँ से ना आपके व्हाट्सएप मैसेज डिलीट होते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डिलीट भी हो सकता है, चैट डिलीट हो सकती है, बट मेल अगर करोगे तो एटलीस्ट मेरे पास प्रॉपर तरीके से पहुँचेगी। तो आज मैं छोटी छोटी जानकारियाँ जो देता हूँ वो तो देता ही हूँ, बट आप लोग कैसे मेरे से संपर्क कर सकते हैं ये भी खास ध्यान रखना। बहुत सारे लोग साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड भी होते हैं, मेरे नाम से कई लोगों ने चैनल भी बनाए हैं, मेरे नाम से कई लोग सेम आईडी, सेम इंस्टाग्राम आईडी लोगों ने बनाई है। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत ध्यान से काम करना है, काम लेना है, काम सोच कर लेना है। तो दोस्तों खास कर देखिए, मेरी ये 2-3-4 ही सर्विस मैं आप लोगों को यहाँ पर दे सकता हूँ और ज़्यादा नहीं, और उसके लिए भी आपको सतर्क रहना है कि मैं ऑथेंटिक लोगों से ही बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ सोचनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले देखो, ज़्यादातर एक तो होटल्स बुकिंग की अगर रिक्वायरमेंट है आपको, जैसे कटरा वैष्णो देवी आना तो सबसे पहले ये होटल बुकिंग की ही रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप लोग कम से कम कोशिश कीजिए जितना एडवांस हो चुके तो उतनी बुकिंग अपनी करवा लीजिए। उसके लिए कोशिश कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दी हुआ, वहाँ पर अपनी पूरी डिटेल मेरे को भेज दीजिए। अब डिटेल में क्या चाहिए मेरे को, चेक इन डेट, चेकआउट डेट, टोटल मेंबर, अडल्ट कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, कितने दिन का आपका नाइट का स्टे रहेगा, कहाँ कहाँ आपको होटल्स चाहिए, तो ये सारा विवरण मेरे को भेज दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइड करने का। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट टूर पैकेज की गाइडलाइंस आपको चाहिए तो भाई वो मेरी पेड कंसल्टेशन है, तो पेड कंसल्टेशन भी बुक करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको कम से कम मेरे जो 20 से 30 मिनट है ना, तो पर्टिकुलर आपको ही मिलेंगे, यानी मेरा जो समय है 20 से 30 मिनट का समझाने का, तो वो पेड कंसल्टेशन है, उसमें फ्री में मैं नहीं गाइड करता हूँ। और पेड कंसल्टेशन जो लेता है तो भाई उसको मैं अपना कम से कम जो है कंप्लीट व्योरा जिसको बोलते हैं वो देने का प्रयास करता हूँ, ताकि वो फिर जानकारियाँ एक ऑथेंटिक जानकारियाँ और साथ साथ में एक ट्रूली करेक्ट जानकारियाँ मिले, चाहे वो रिकॉर्डिंग होटल्स की इंफॉर्मेशन हो गई, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की होगी, चाहे वो टूर पैकेज की बात करता है, किसी भी प्रकार की ट्रैवल के संबंधी, तो वो मैं जानकारियाँ फुलफिल करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े कब आपको यात्रा करना चाहिए, कब आपको कहाँ घूमना चाहिए, तो पूरा समय जो है वो यूटिलाइज करने का मैं प्रयास करता हूँ। तो बी अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग जब भी मुझसे संपर्क करना है
तो बड़ी सोच समझ के साथ करना है, अननेसेसरी अपना समय भी बर्बाद नहीं करना, तो किसी का भी नहीं करना, क्योंकि जब आप अननेसेसरी समय बर्बाद करते हो तो अपना तो करते ही हो करते हो, लेकिन किसी का भी करते हो। तो बेटर है कि फ्रेंड्स आप लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत अपना मानता हूँ, इसलिए आज मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, अक्सर मैंने पिछले कुछ दिनों से नोटिस किया, कुछ महीनों से नोटिस किया, लोगों ने अभी 4 महीने बाद में आना होता है लेकिन पहले ही मौसम पूछते, भाई मौसम कैसा रहेगा 4 महीने, भाई मैं समाज शास्त्री तो नहीं, जब मैं कोई भगवान का कोई रूप तो नहीं हूँ कि मुझे पहले ही पता होगा 4 महीने का मौसम कैसा रहेगा। हाँ, जो मौसम की अपडेट आती है तो 4-5 दिन पहले आती है, जो श्रीनगर हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है तो वहाँ से अपडेट आती है हमें, तो मैं वही देने का प्रयास करता हूँ। एक तो मैं लोकल हूँ तो ओवरऑल पता चलता रहता है कि कब बारिश, आप देखो आज मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, आपको भी दिख रहा होगा, देखो धुंध छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं, तो कैसा मौसम होगा, बादल छाए हुए हैं बस, बाकी तो सब नॉर्मल ही ना, ठीक ही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यही बातें जो है आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कॉल करने के बजाय आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मुझे कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए और मेरी मेल आईडी पे कीजिए, ठीक है। ये 3 प्रोसीजर हैं। अगर आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है कि आपको कहाँ रुकना है, कैसे आना है, कितना किराया, कितना बजट पड़ेगा, पूरे टूर का कितना क्या लगेगा, खाना पीना कहाँ होगा, यात्रा कैसे करनी है, सुबह करनी, शाम करनी, यात्रा पर्ची कहाँ से मिलेगी, कब लेनी, क्या समय है, कश्मीर, हिमाचल, अमृतसर कहीं भी घूमना है, होटल कौन से अच्छे हैं, बेस्ट कौन से हैं, तो सारी चीज़ों के लिए समय लगता है। उस समय के लिए पेड कंसल्टेशन मैं लेता हूँ, जिसकी आप लोग ट्रैवल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ये व्हाट्सअप के माध्यम से भी ले सकते हैं। आप मैसेज कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि मेरी बहुत जेन्युइन फीस है, जो एक आम छोटे से छोटे गरीब से गरीब इंसान भी जो है पेड कर सकता है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल कुछ नई बातों के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।